अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए हम फर्स्ट ईयर के पहले टॉपिक को रिवाइज करेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे दोबारा से, ताकि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अच्छे तरीके से समझ आ सके। और वो कौन सा टॉपिक था आपको याद होगा? पोटेंशियल एनर्जी। उसमें हम क्या कहते थे कि अगर फर्ज कर लिया ये एक बॉल है और इस बॉल के ऊपर जब हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको डिस्प्लेसमेंट तय करवाएंगे खास हाइट ऊपर एज तक, तो हम कहते थे उस खास हाइट एज में इसके अंदर एक एनर्जी क्या स्टोर हो चुकी है? पोटेंशियल एनर्जी। वहां जाके जब हम किसी बॉल को रिलीज करते थे तो आपको याद होगा वो बॉल किस तरह मूव करेगी? जमीन की तरफ। और जमीन की तरफ क्यों आ रही है? क्योंकि ग्रेविटी कहाँ एक्ट करती है आपकी? हमेशा डाउनवर्ड। जिसकी वजह से जब वो नीचे की तरफ फोर्स लगती थी तो उसमें जब एक्सलेशन जनरेट होता था ड्यू टू ग्रेविटी, तो उस वक्त उसमें पैदा होती थी काइनेटिक एनर्जी। वो ऑब्जेक्ट ऊपर से जमीन की तरफ मूव करना शुरू करता था। इसी तरह हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक है। अब आप जरा गौर करें, फर्ज कर लिया हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है जो कि हम कहते हैं लाइक हमारी पोजीशन बी पर है, एक नेगेटिव प्लेट है वो हम फर्ज कर लेते हैं हमारी पोजीशन कौन सी है उसकी, ए है। और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइन हमेशा किस तरफ आएंगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। अब अगर हम इसमें एक लाइक टेस्ट चार्ज रख देते हैं अपनी मर्जी से, कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट, तो आप गौर करेंगे अगर हम इस चार्ज को यहाँ पे फ्री हैंड छोड़ दें तो आपको पता है ये बी से किस तरफ जाएगा? ए की तरफ। क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो पॉजिटिव चार्जेस की होंगी जो बी प्लेट के ऊपर पड़े हुए हैं, वो जब अपनी इलेक्ट्रिक लाइंस को रिलीज करेंगे तो सामने पड़े टेस्ट चार्ज जो कि उनका सेम चार्ज है उनके जैसा, तो उसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और उस रिपेल होने की वजह से वो चार्ज बी से किस तरफ मूव करेगा? ए की तरफ। अब अगर हम चाहते हैं कि ज़बरदस्ती हम चार्ज को ए से किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? बी की तरफ, तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स एफ लगानी पड़ेगी। अब अगर हम एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाते हैं तो याद रखिएगा इसमें बहुत एक अहम कंडीशन है कि चार्ज को जब हमने ए से बी की तरफ लेके जाना है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अब वो क्यों होना चाहिए मैं अभी आपको समझाता हूँ। कि पहले तो हम ये समझेंगे कि जब हम ए से बी की तरफ फोर्स लगाएंगे तो पक्की बात है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के अगेंस्ट फोर्स लग रही होगी। तो हमने जब चाहते हैं कि चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में रहे तो हमारी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इन इलेक्ट्रिक फोर्स की फोर्स के क्या होनी चाहिए? इक्वल एंड ऑपोजिट। जब इक्वल एंड ऑपोजिट होगी तो आप जानते हैं नेट फोर्स क्या होगी? जीरो होगी। और जब नेट फोर्स जीरो होगी तो एक्सलेशन क्या होगा? जीरो होगा। एक्सलेशन आप जानते हैं दो सूरतों में जीरो होता है, या तो वेलोसिटी जीरो होगी या वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो। अब क्योंकि हमारा चार्ज मूव कर रहा है तो इसका मतलब हमारी वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। और जब वो यूनिफॉर्म होगी तो वो एक तरह का डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा, जो हम चाह रहे थे कि हमारी कंडीशन पूरी हो सके। और ये कंडीशन हम चैप्टर 15 में जब पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ, वहां पे भी अप्लाई होगी। और ये हम चाहते क्यों हैं? ताकि हमारा कॉन्स्टेंट करंट प्रोड्यूस हो सके। याद रखिएगा ये एक्सटर्नल फोर्स जो भी आप लगा रहे हैं ये कोई हाथ से नहीं किसी चार्ज पे लगेगी, ये हमारी मैग्नेटिक फोर्स है जो हम वहाँ जाके सीखेंगे चैप्टर 15 में, जो हम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट ताकि एक चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखा जा सके। अब जैसे आप देखें वो मैग्नेटिक फोर्स एक चार्ज को अपवर्ड मूव करवाने की कोशिश करेगी, तो जब चार्ज ए से बी की तरफ जाएगा तो पक्की बात है उसमें क्या पैदा होगी? पोटेंशियल एनर्जी। और जब आप वो फोर्स लगाना छोड़ देंगे तो पक्की बात है चार्ज कहाँ आएगा? बी से ए की तरफ। जब वो नीचे की तरफ आएगा तो हम कहेंगे उसमें काइनेटिक एनर्जी पैदा होगी है। और अगर आप चाहते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी पैदा हो तो आपको फिर अपनी इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट लगानी पड़ेगी, जो कि हमारी एक तरह की एक्सटर्नल या मैग्नेटिक फोर्स है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा इस टॉपिक का हिस्सा है, अब हम उसकी प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अब हम उसको डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इनसाइड द फील्ड विदाउट प्रोड्यूसिंग एन एक्सीलरेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि हम एक चार्ज को मूव करवाना चाहते हैं एक रेफरेंस पॉइंट, जिसको हमने कहा था हमारी वो प्लेट क्या है, फर्ज कर लिया ए, या पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई भी एक पॉइंट को हम अपना रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं, लाजमी नहीं ए ही हो, वो आपकी मर्जी आप कौन सा रेफरेंस पॉइंट लेना चाहते हैं। और अब हम मूव करवाना चाहते हैं उसको एक स्पेसिफिक पॉइंट तक। अब वो प्लेट बी भी हो सकती है या जो आपके रेफरेंस पॉइंट से ऊपर कोई भी इन दो प्लेट्स के दरमियान पॉइंट आपका हो सकता है। और अगली कंडीशन किसके अंदर आए हम? फील्ड के अंदर हैं। और मैंने जैसे पीछे बता चुका हूँ एक्सलेशन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए ताकि आप इक्विलिब्रियम रह सकें, ताकि आपको एक कॉन्स्टेंट करंट मिल सके। तो ये चीज़ कहलाती है आपका किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा?
यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। अब यू यहाँ पे सिंबल किसका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जो कि ये बता रहा है कि चार्ज का, अगर आप चार्ज को बी तक लेके जाना चाहते हैं तो बी पॉइंट के, या मतलब जो आपकी बी प्लेट है वो, वहाँ पर जो आपका एक चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यू बी से, और जो रेफरेंस पॉइंट आपको जहाँ से आपने उसको मूव करना शुरू किया था लाइक वो ए प्लेट थी, तो वो बेटा आपकी उसका वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, यू ए। इन दोनों का डिफरेंस वो एनर्जी है जो आपको रिक्वायर्ड है एक एक्सटर्नल फोर्स की मदद से, जो आपने कहा था लाइक मैग्नेटिक फोर्स है, वो फोर्स इस एनर्जी को आपके लिए पैदा करेगी। अगर वो पैदा करने में कामयाब हो जाती है तो आप समझिए आपका चार्ज ए से कहाँ तक पहुँच जाएगा, बी तक पहुँच जाएगा। अब हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। अब इसकी क्या डेफिनेशन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी व्हाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। यहाँ पे डेल किस चीज को शो कर रहे हैं, चेंज को, डिफरेंस को, और इसका फॉर्मूला किसके इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नोट। अब इसमें क्यू नोट क्या था, हमारा टेस्ट चार्ज, मतलब कि वर्क पर यूनिट चार्ज, जो आपका टेस्ट चार्ज के ऊपर जो आप वर्क करके लेके जा रहे हैं, दर हकीकत वो आपने उस चार्ज में उतना क्या क्रिएट कर दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि आपका ये फॉर्मूला एक और फॉर्मूले के भी इक्वल है जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जैसे डब्ल्यू किसके बराबर था, डेल यू के, मतलब यू क्या था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डेल मतलब उन दोनों का चेंज। तो ये डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नोट बराबर किसके हुआ, डेल यू ओवर क्यू नोट, और दूसरे लफ्जों में ये भी किसके बराबर हुआ, डेल वी के। तो डेल वी का आपका फाइनल फॉर्मूला बन गया, डेल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नोट या डेल्टा यू ओवर क्यू नोट। अब हम इसके यूनिट की तरफ चलते हैं। अब जैसे कि हमने देखा था इसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। अब डब्ल्यू क्या है, इज द वर्क, और वर्क का यूनिट क्या होता है, जाउल, बटा में क्या है, चार्ज, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो इसका मतलब इसका आपका यूनिट क्या बना, जाउल पर कूलम, जो कि किसके बराबर होता है, वोल्ट के। तो एक वोल्ट आपका याद रखिएगा एक जाउल डिवाइडेड बाय एक कूलम के है। अब अगर आप इसको सिंपली एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे कहेंगे कि फर्ज कर लें अगर आप एक कूलम के चार्ज को एक जाउल वर्क करके एक रेफरेंस पॉइंट से एक स्पेसिफिक पॉइंट तक लेके जाते हैं तो आप कहेंगे उस चार्ज का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट क्रिएट हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये दोनों डेफिनेशंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला कल के टॉपिक में हम इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे और हम उसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे डिस्कस किया जाता है। तो कल का टॉपिक आप लाजमी अच्छे तरीके से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये बोर्ड में एंट्रेंस के क्वेश्चन में बहुत दफा रिपीट हुआ है और बहुत ही अहम सवाल है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।